फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह हम उठे हैं। ये हमने रूम लिया था रात, और रात ना बहुत ज़्यादा थक गए थे, यहाँ पे आए थे और रात ही हम आके सो गए थे खाना वाना खा के, रात टाइम नहीं लगा। और अभी उठे हैं, अभी हम जा रहे हैं चाय पीने, और बाहर का आपको व्यू दिखा दिया यहाँ का कैसा है सारा। इधर बालकनी है, इस इधर व्यू अच्छा नहीं है, इतना इतना अच्छा नहीं है यार, ये नहीं दिखाएंगे। दूसरी साइड चलते हैं, हम दूसरी साइड का व्यू दिखाते हैं आपको। अभी बाहर चलते हैं फ्रेंड्स। अभी हम नहा धो के आ गए थे, हम यहाँ होटल पे आए हैं चाय पीने। और हमारे साथ ना, अभी जब हम आ रहे थे, अभी हम ना ये मास्क लेके आए हैं। जब तू बता यार क्या हुआ अभी। तो गाइस, हम ना तीनों जा रहे थे, अपनी मस्ती में जा रहे थे, ये भी बैठा है। और हम जाते जाते ना सीधे जा रहे थे, और एक ना पुलिस चौकी थी छोटी सी, वो छोटी सी नहीं होती है ना, वो थी, उसमें पुलिस वाला बैठा था एक, तो उसने हमारी वीडियो बना ली। पैदल आ रहे थे ना हम बिना मास्क के, तो हमें स्टॉप कर लिया, रोक लिया, हमें बोलने लगे आप मास्क निकालो अपना, कहाँ पे है। हमने बोल दिया हमारे पास मास्क नहीं है, रुमाल हमने जल्दी जल्दी हैंक की ना मुँह पे बांध ली। तो उसके बाद उसने बोला 500 रुपये निकालो दोनों। तो हमने पूछा क्यों सर, कह रहे हैं जहाँ का जुर्माना है मास्क का। तो हमने थोड़ी सी रिक्वेस्ट वगैरह करी, हमें छोड़ने का नहीं था, वो छोड़ने वाला नहीं था वो। तो हमने बोले रिक्वेस्ट वगैरह की, बोले स्टूडेंट है पेपर देने आए यहाँ, तब बोला हमारे पास किराया इतना, तभी छोड़ा। लेकिन हमारा 1500 का चलान कर दिया था तीनों का, 500 का। तो अभी बचे हैं, अभी मास्क लेके आए थे, अभी चाय पीने आए हैं। अभी मास्क लिए हैं, चाय पीने के बाद है मेरा पेपर, पेपर देने के बाद हम जाएंगे आगे घूमने। और अभी हम आपको मिलते हैं रूम में, रूम से चेकआउट करेंगे, फिर जाएंगे घूमने, अभी मिलते हैं। ये हमारी, और ये 50 रुपये की प्लेट है यहाँ पे, हमारे वहाँ पे कितनी है 5 रुपये की, इतनी आ जाती है यहाँ पे, 50 रुपये की देती है ये प्लेट। और अभी चाय ख़त्म करके रूम में मिलते हैं। One hour later. एग्जाम तो मैं देख के अभी आ गया, अभी हम आए ऊपर खाना खाने, और हमने सिंपल खाना ही मंगाया है, रोटी है और पनीर की सब्जी है, ठीक है। इसके बाद खाना खाने के बाद हम निकलते हैं कहीं घूमने के लिए, आपको वहाँ पे दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या है। चलो अभी मिलते हैं। डॉक्टर से चेकआउट करके हम आ गए थे, अभी हम जा रहे हैं धर्मशाला, एंड देन उसके बाद देखते हैं कहाँ पर जाने का। हम पालमपुर से अभी धर्मशाला आ गए थे यहाँ पे, यहाँ पे हमको बस ने उतार दिया धर्मशाला के। अभी हम जा रहे हैं ऊपर जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है, अभी ट्राई करेंगे करने के लिए, समय बहुत कम है, अगर टाइम लगा तो करेंगे। और अभी जा रहे हैं, वैसे मौसम धूप यहाँ पे ज़्यादा है लेकिन गर्मी नहीं है, और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, मैं आपको दिखाता हूँ चढ़ाई है इधर। और ये आ रहे हैं दोनों, और हम यहाँ से पैदल हैं अभी, तो टैक्सी वगैरह या ऑटो रिक्शे तो नहीं है यहाँ पे, टैक्सी ही है, ढूंढ रहे हैं अगर कोई मिल जाए। वैसे सिर्फ 5 मिनट की दूरी भी आए हैं, और एकदम से ना यहाँ पे ठंड होगी, इसने वो कोट निकाल लेता हूँ मैं डालने के लिए। अभी ये देखिए लोकेशन, यहाँ से अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ये लोकेशन देखिए यहाँ की, ये धर्मशाला है। 2 hours later. हम पालमपुर से धर्मशाला आ गए थे, और धर्मशाला पे भी आके हमारा मन नहीं लगा, तो हमने सोचा कि हम मैकलोडगंज ना चला जाए। यहाँ पे आने का प्लान हमारा 3 दिन बाद का था, लेकिन हम आज ही यहाँ पे आ गए। उसका रीज़न पता है क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर चलते हैं, जो हमने अभी रूम बुक किया ना उसका रीज़न दिखाता हूँ क्या है यहाँ पे आने का। पहले ये तो हमारा रूम है जो अभी हमने बुक किया है, देखिए ये एक यहाँ ड्रॉयर है, ये मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, और ये बेड है, और जो असल चीज़ है ना जहाँ आने का जो रीज़न है वो ये है, साइड में हो जा भाई। ये देखिए व्यू देखिए यहाँ से, ठंड में बर्फ़ होती है सारी,
यहाँ सर्दियों में यहाँ पे ना बर्फ़ पड़ती है सभी जगह, लेकिन अभी हम तो अभी तो गर्मियों में 7वें महीने में आए हैं। लेकिन लोकेशन चेक कीजिए यहाँ की क्या है ना, मस्त जगह। और नीचे भी देख लीजिए कितना। और अभी हम जाएंगे वहाँ पे, उसके ना पिछली तरफ वहाँ पे एक वाटरफॉल है, वहाँ पे हम जाएंगे। और वहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है, वाटरफॉल के ऊपर ही बना हुआ है। अभी हम वहाँ से जाएंगे, इस रास्ते से होके हम उसके उस साइड जाएंगे जो सामने एक छोटा सा मंदिर होगा, ये वाला, ये मंदिर के पास में ही है वो। यहाँ पे अभी हमें जाना है। अभी अमन नहा रहा है और मैं और शेंटी तो रेडी हो गए, और फिर चलते हैं वाटरफॉल की तरफ और कुछ खाने पीने का। मार्केट दिखाते हैं यहाँ की कैसी है। हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। इनको बताया था मैंने, यार लॉक लगा दी। चलिए, और अभी जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ और मार्केट भी घूमेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे। इससे पहले एक टाइम मैं आया था पहले, लेकिन उस टाइम पे मैं आर्मी की भर्ती के लिए आया था यहाँ पालमपुर में। मकलौड़गंज भी आए थे हम, लेकिन हम उस समय भी घूम नहीं पाए, यहाँ पे 1-2 घंटे रुके थे बस। क्योंकि सुना था हमने मकलौड़गंज के बारे में, कभी देखा नहीं था, इसी वजह से हम उस टाइम पे 1-2 घंटे के लिए आ गए थे यहाँ पे टाइम स्पेंड करने। लेकिन अभी हम यहाँ पे पूरे 2 दिन स्पेंड करेंगे और यहाँ पे क्या क्या वो दिखाएंगे यार। ठीक है, तो अभी चलते हैं। नीचे आ गए हम अभी, और यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है, मैंने ऊपर से आपको दिखाया था और नीचे से अभी ऐसा है। अभी हमें उस साइड जाना है। यहाँ पे मॉन्क बहुत ज़्यादा है, और आज ना जन्मदिन था कोई इनका गुरु होगा मॉन्क का, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, लेकिन उनका जन्मदिन था और उसको ये सेलिब्रेट कर रहे थे। और ना हर किसी को मास्क और सैनिटाइज़र वगैरह बांट रहे थे यहाँ पे। और अभी हम ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे भी जाएंगे, ऊपर छत पे जा रहे हैं। ठीक है, जो मॉन्क के करके चले भाई, पहली सांस फूल रही है हमारी तो चल चल के ही चल आ जा। ये व्यू देखिए यहाँ से, और इधर से अभी हम आए हैं, वहाँ पे हमारा रूम है ये वाला। अभी ऊपर चलते हैं। शैंटी ने बोला यहाँ से मक्की का होता ना ये पंजाबी में, तो उसको मैनू भी यार ना पढ़ाता है इधर छली, पंजाबी में तो छली बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, छली ओके, हिंदी में भी छली बोल रहे हैं। आंटी आंटी बोल, कुकड़ी, हाँ पंजाबी में कुकड़ी बोलते हैं, कुकड़ी खा रहे हैं अभी अभी। ये आ गई हमारी, एक तो रेडी हो गई। ठीक है, मेरी भी बता के सही है, सही है। तोड़ ले, अद्धी तोड़ ले, आप कर ले। भाई इनको बार बार बोल रहा हूँ, ये फोटो शूट करवा रहा है, यहाँ खड़े होके देखो नीचे देख लो, करें नीचे गिर गया ना, कोई ऐसे नहीं गिरे यहाँ पे आ गया। और यहाँ से व्यू देखो ये वाला, क्या भाई ये भाई, कैमरे में नहीं आ रहा, आँखों से देखना पड़ेगा ये व्यू। ये व्यू देखो यहाँ से, और यहाँ से ना वाटरफॉल दिख रहा है जहाँ पे अभी हमने जाना है, दिखाता हूँ मैं आपको। वो रहा वाटरफॉल, इसमें शायद दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, ये रहा, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे बना हुआ है, और अभी जा रहे हैं। इसमें पहुँच गए हम, यहाँ पे कुछ ऐसा है, और यहाँ पे ट्रैफिक ना जाम हुआ पड़ा है बिल्कुल ही, गाड़ी गाड़ी आ रही है, आगे कोई जा नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे आगे इसका पॉइंट ब्लॉक हो जाता है, आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है, और यहीं पे गाड़ियाँ जमा हो रही हैं। और इसके दूसरी साइड ही वाटरफॉल है जहाँ पे हमको जाना है, अभी जा रहे हैं हम। ये वो जगह जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये है उसका मेन गेट, जो झरना मैं आपको दिखाया था वो यहीं से शुरू होता है, वो झरना ऊपर से गिरता है और यहाँ नीचे आके स्विमिंग पूल बना हुआ है, उसमें फ्रेश वाटर आता है और वहीं से निकल जाता है। दिखाता हूँ मैं आपको।